हूँ दुकान पे और मैंने कुछ फ्लावर्स भैया देखिए भाई यहाँ पे अब हो रहा है पैकेट सारा पैकिंग। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं इवनिंग में, क्योंकि कल है विश्वकर्मा पूजा और आज करने वाले हैं हम लोग उसकी तैयारियाँ। लेकिन तैयारियाँ करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे घर की स्थिति क्या है। मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है और देखते जाइए मेरे पीछे क्या है भाभी और इनको फिर से गैस हो गया है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। उसके बगल में है भैया, उनके भी पैरों में दर्द हो रहा है। और फिर थोड़ा और इधर आ जाइए, ये है मेरे पतिदेव महादेव, जो इनको बुखार सर्दी खांसी सब हो जाता है और ये पूरा फ्लैट है। अब बताइए इस स्थिति में हमारी तैयारियां कैसी होगी। अब ये सोच के हमको टेंशन हो रहा है। बट गाइस, हम लोग सब मेडिसिन ले चुके हैं आज आने से पहले और देखते हैं कौन जल्दी ठीक होकर मैदान में पहुंचता है। तो बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रिकवरिंग करें और अपने काम पे लग जाए। गाइस, हम रिटायर्ड हर्ट है, हम मैदान में थे, हम रिटायर्ड हर्ट होके आए हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली अभी पूजा का सामान लाने जाना है और किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है उठ के जाने का, तो देखते हैं कौन जाता है पूजा का सामान लेने के लिए। जितने ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर नंबर 1, 2, 3 सारे बीमार पड़ के, तो मालिक को लेके कौन जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्या। और हम लोग का जो गाड़ी है ना वो वॉश नहीं हुआ है, ना सफारी वॉश हुआ है, ना बाइक वॉश हुआ है हम लोग का। और हम लोग सुबह से जिम में ही लगे हुए थे, जिसका भी आधा काम हुआ, आधा काम अभी और हो रहा है, जाएंगे देखेंगे कहाँ तक हुआ है और आपको रिवील करेंगे कि जिम कैसे रिनोवेट हो रहा है वो आपको रिवील करेंगे। और सुबह 4 बजे हम लोग जाएंगे सफारी को वॉश करवाने के लिए, तो उसका ब्लॉग भी आपको दिखेगा सुबह 4 बजे, तो बने रहे। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं आना जी। गाइस, तो अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है और अब मैं घर से निकली हूँ उस पूजा का सब सामान लाने के लिए। तो जाने वाली तो मैं श्रुति थी, बट अभी मैं और ये जा रहे हैं क्योंकि श्रुति को और विक्की को पहले जिम जाना है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो काम चल रहा है। तो फिलहाल मैं निकल रही हूँ और कुछ सामान लेना है पूजा का, तो उस सामान लेके डायरेक्ट मैं जिम पहुँचूँगी और ये भी जिम में ही रहेंगे। मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान पर और मैंने कुछ फ्लावर्स भैया देखे उठाइए, तो कुछ फ्लावर्स मैंने फिर से लिया है और यहाँ पे पूजा का सारा सामग्री है, तो देखते हैं ले लेते हैं सारा सामान यहाँ पर। मार्केट में गजब की भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी वो गए हैं गाड़ी लगा के, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और हम लोगों ने कुछ पूजा का सामान ले लिया है और कुछ अंदर जाके लेना है। तो अंदर घुसने में कम से कम मुझे लगता है आधा घंटा लग जाता है, काफ़ी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आपको शॉपिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी के कारण मैं आहाना को लेके नहीं आई और मतलब इतना ज़्यादा गर्म लगेगा ना मार्केट में कि आहाना रहती ही नहीं। तो फिलहाल अभी ये गए हैं तो सामान लाने के लिए, देखते हैं कि कितने देर में आते हैं, तो मैं यहाँ वेट करती हूँ। तो यहाँ पे लड़ाई हो गई है और काफ़ी भीड़ जम गई है, रास्ता भी जाम हो गया है पूरा, देख रहे हो ना, रास्ता जाम कर दिया है लोगों ने, पूरा लड़ाई हो रही है यहाँ पर। ये कहाँ चले गए पता नहीं, मुझे यहाँ पे खड़ा करके लगता है कि हेल्प करने के लिए, देखिए वहाँ है शायद, हाँ मिले, देख रहे हो। तो उनके पास जाती हूँ, क्या कर रहे हैं, चलिए ना। तो यहाँ बॉयज़ की लड़ाई हुई है, आप क्या करने लगे थे। अरे राहुल को मारा। राहुल, अच्छा राहुल सिंह था। तो जिम वाला ना, तो यहाँ पर भयंकर मार हो चुकी थी। बस तो हम पहुँच चुके हैं अपने जिम और अब हम अपने जिम के अंदर अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा वो लोगों ने मतलब डेकोरेट किया है। ये बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने।
हम पहुंच चुके हैं अपने घर और हम लोग यहां पे पहले से यहां मौजूद हैं। हम लोग एक घंटे पहले यहां पे आ गए थे, बता नहीं पाए थे क्योंकि यहां आते भूल गए। हां 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 अरे वो मार कर रहा था, बचाने के लिए गया, पूरा ब्लड लग गया। राहुल राहुल का मारपीट हो रहा था। राहुल कौन? राहुल जिम नहीं है जिसका? राहुल सिंह का। हाँ वही, ब्लड लग गया पूरा भैया के कपड़े में। हाँ बचाए, उन्हें भयंकर लड़ाई हो रहा था वहाँ पर। Guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. खराब हो रही थी, देखिए पैचेस पर बहुत सारे दीवार खराब हो गए, जिसके कारण हम लोगों ने एकदम सिंपल सा रखा ताकि दूसरे दिन भी वर्कआउट अच्छे से हो सके सब लोगों का। तो दूसरे दिन भी वर्कआउट करने में धाम धूम भी धाम। देखिए इसको क्या करते हैं, हम लोग को पूरा सब चीज मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो करें काम। हाँ हाँ चलिए ठीक है। To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my love. यस भी आ चुका था हेल्प करने के लिए। यस को यस बैठ के वहाँ पे गप्पे लड़ा रहा था, तो हम लोग बुलाने काम करने के लिए। और ये देखिए हम लोग वाला हेयरबैंड कल जो चुराया हुआ था, वही वाला हेयरबैंड हम लोग का क्या? हाँ हाँ। अरे मेरा वाला तभी रह नहीं गायब हो जाता। इधर यस तो इधर करो तब मैं सोचू बार बार मेरा हेयरबैंड कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है। हम हर बार खरीदते हैं और गायब हो जाता है। ये देखिए गाइस मजदूर लोग का खुराकी का सब। ये मजदूर देखिए खुराकी लेके आया। ये मजदूर खुराकी लेके आया है। खुराकी पे मोमोज है। एक्चुअली प्लेट लाना भूल गए हम लोग, आधा रास्ते में आ रहे हैं। भैया भैया थोड़ा हम भी खाएंगे। अरे ये मजदूर भी खाएगा, खा लेते हैं पहले। तो पहले खा लो मम्मी का मोमोज, खाने का मजा ही कुछ और है। भाभी सर्दी भी हुआ है तो तिक्का तिक्का खाने में बहुत मजा आ रहा था। अब भूख भी लगा था, भूख भी भयंकर लगी हुई थी। मतलब 2 बजे के खाए हुए हम लोग थे, 2:30 बजे ना, तो उसके समय खाए हुए थे। उसका फिर हम लोग ने कुछ नाश्ता नहीं किया, तो हम लोग हंस रहे हम लोग। तो बस अब जा रहे हैं पानी पिएंगे, डेकोरेट भी करना है। हम लोग तो मोमोज खाए हैं और इनको देखिए ये क्या खा रहे हैं, बिरयानी। बाहर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि हम लोग नॉन वेज है वो जिम में नहीं लाते हैं अंदर, इसीलिए। तो हम लोग तो खाए वेजिटेरियन, और ये लोग देखिए क्या खाए हैं।
और भाभी बलून फुला रही है, हम भी अभी यही काम कर रहे थे, अभी उठ के उठे हैं। तो गाइज हमारा डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट, जो दिखेगा आपको कल सुबह। तो गाइज आज हम लोग अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं करने वाले हैं। मक्खी हटेगी तो हाथ में। तो आज हम लोग अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड नहीं करने वाले हैं, आज का ब्लॉग होगा कल कंटिन्यू। कल हमारे जिम में पूजा होगा और बहुत सारे लोग आएंगे, सबको प्रसाद पैकेट सारा बटाया होगा, तो ये सारा चीज देखते रहिए हमारे साथ कल। तो कल हमारे जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स जो है वो भी कल आपको मेरे जिम में देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग हैं, तो कल हम लोग पूरा फुल मस्ती करने वाले हैं। जय विश्वकर्मा बाबा, और आप लोग को भी कल बोले आज नहीं। तो मिलते हैं गाइस आपसे कल इसी ब्लॉग में। The next day. गाइस देखो आयांश अपनी गाड़ी साफ कर रहा है और अपनी साइकिल भी साफ करेगा, और अभी लोग हैं कार को वॉश कराने के लिए, और हम लोग यहाँ पर अपना स्कूटी दोनों साफ कर रहे हैं, क्योंकि आएंगे तो फिर लेट हो जाएगी, फिर गाड़ी साफ होगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और पंडित जी ने 10 बजे का टाइम दिया है, तो इसीलिए मैं और आयांश मिलके स्कूटी साफ कर रहे हैं, और श्रुति जाएगी अपना पूजा रूम साफ करने के लिए। अब आयांश की भी साइकिल आ गई है, अब आयांश भी अपनी साइकिल को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है। क्या आयांश देख रहे हो आयांश कैसा लग रहा है अपना गाड़ी साफ करके? तुमको जो ये चलता नहीं है कभी कभी, तुम इसे चलाते भी नहीं हो? चलाएंगे। चलाओगे? ये बट तो ये तो पंचर है। तो गाइस सारे आयांश ने, आयांश फ्रेश हो गए, तुम आयांश फ्रेश हो गया, आहाना फ्रेश हो गया, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, और अब आयांश जो है अपनी साइकिल की पूजा कर रहा है। ओ माय गॉड, जय विश्वकर्मा। देखो आयांश अब अपनी साइकिल की पूजा कर रहा है। ऐसे बेटा हाथ ऐसे यहाँ पे रखिए, यहाँ रखिए, हाँ बोले जय विश्वकर्मा भगवान की जय। क्या बोला? जब मेरे पास साइकिल है, हमको बाइक दिला दीजिए। हो गया। ये लो पीला वाला चंदन लगाइए, उससे नहीं, इससे राइट, इससे ये हाथ, ये फोर्थ नंबर वाला, हाँ उसके बगल वाला, उसके बाहर, हाँ उससे टच कीजिए, अलग यहाँ टीका लगाइए, जल्दी दो मैं शांति से रहो, वो से स्वास्तिक नहीं बनाना, टीका लगाइए लंबा लंबा, ऐसे लंबा लंबा टीका लगाइए, वेरी गुड, फाइव एक दो बार और लो, टीका लो यहाँ से, टीका लो, ये वाला रेड, नहीं नहीं येलो लो, फाइव, हाँ दो और लगो, ठीक है, हाँ वेरी गुड, अब रेड वाला हल्का सा लगा दो, लगा उसी से करो, हाँ अब करो, पापा को बोल दी है, हाँ उसी में लगा, हाँ उसी में लगा, हाँ सब में लगाओ, हल्का बस, हाँ हाँ चलो हो गया, अब फ्लावर चढ़ाइए, हाथ को ऐसे ज्वाइंट करके, हाँ जो मांगा है, हाँ यहाँ पे डाल दीजिए, इसके अंदर फूल डाल दीजिए, हाँ सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी विश करो पूजा, और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं जिम। तो गाइस हम लोग अभी दोनों गाड़ी की पूजा नहीं हुई है, सारी गाड़ी की पूजा वही जिम पे ही होगी, तो ये लोग वॉश कराने के अभी तक आए नहीं, और हम लोग जा रहे हैं जिम प्रिपरेशन के लिए, सारा पूजा का अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद पंडित जी को, वरना पंडित जी जो है वो इधर से उधर भाग जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, लास्ट टाइम ना 4 बजे आके पंडित जी का तो हम लोग निकले, वरना हम लोग को लेट हो जाएगा, हाँ जल्दी चलिए, गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी आज है विश्वकर्मा पूजा, जैसे कि आप लोग को पता है कल हम लोग जिम की साफ़ सफाई और डेकोरेशन वगैरह में लगे हुए थे, और अभी सुबह सुबह हम लोग आए हैं अपनी सफारी को वॉश करवाने के लिए, हम लोग ने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो साफ़ हो जाएगा अच्छे से और भीड़ भी नहीं रहेगा, लेकिन पोपट तो होना था, यहाँ तो लोग हम लोग से पहले पहुँचे हुए हैं, पता नहीं कौन से मुर्गे की बांध लगा के सोए हुए थे, सब पहुँचे हुए हैं, भीड़ इतना ज़्यादा हो गया कि उन लोग वेटिंग में हम लोग की गाड़ी, तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना भीड़ है, और यहाँ से वॉश करवा के फिर हम लोग निकलेंगे और फिर आगे पूजा पाठ में से लगना है हम लोग को, और हाँ दोनों स्कूटी भी साफ करवाना है, तो देखते हैं कब तक सारा कुछ हो पाता है। तो गाइस ये रहा हमारी सफारी, देख सकते हैं ये हम लोग की गाड़ी यहाँ लगी हुई है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं कार वॉशिंग कॉर्नर में,
और यहाँ पे नंबर लगा हुआ है गाड़ी का। ऑलरेडी दो गाड़ी अभी वॉशिंग में है, देख सकते हैं। तो इसमें से एक गाड़ी भी निकलेगी तो फिर हम लोग की सफारी वहाँ लग जाएगी वॉशिंग में। तो जल्दी जल्दी वॉश करवाते हैं फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो गाइस फाइनली दो घंटे के बाद हमारी गाड़ी वॉश हो रही है, देख सकते हैं। दो घंटे वेट करना पड़ा है, इतनी लंबी लाइन थी। अभी वॉश हो रहा है, वॉश करके फिर यहाँ से निकलते हैं। गोत्र मम सपरिवार से सुख शांति कलश स्थापन गणेशादि पंच देवता बाबा वैद्यनाथ नगरी क्षेत्र श्री विश्वकर्मा पूजन पंचाग्रही बाबा विश्वकर्मादित्य नमः। ॐ प्रजापति स्वाहा, ॐ इन्द्राय स्वाहा, ॐ अग्ने स्वाहा, ॐ देवताभ्यो स्वाहा। तो गाइस यहाँ पे अब हो रहा है पैकेट सारा पैकिंग। एक्चुअली पैकेट तो पैक होके आया था, बट अब इसमें ये सारे जो प्रसाद अभी चढ़े हैं वो सारे कटिंग कर करके इसमें भाभी और ये हमारा पड़ोसी भी है और ये जिम का मेंबर भी है ये डाल रहा है और ये भी है, सब्सक्राइबर्स भी है और मेंबर भी है, हमारे पड़ोसी भी है, तीनों चीजें। तो अभी ये लोग सारा इसमें पैक कर रहे हैं और अहाना हमेशा की तरह से हमको डिस्टर्ब कर रही है। बहुत लोग जिम के सारे लोग आ भी चुके हैं, प्रसाद ही देना ना दीजिए। दिखाइए तो क्या क्या है नाश्ता में। ये देखिए नाश्ते में है कचौड़ी, मिठाई, एप्पल, एक और मिठाई, भुजिया और ये हल्दीराम का भुजिया। ये हो जाएगी पैक। बहुत सारे लोग अभी आएंगे तो लोग अभी मिलेगा नाश्ता, बहुत सारे लोग शाम में आएंगे। तो गाइस हड़बड़ी में हम लोग आए हैं मामा के फैक्ट्री में और यहाँ पे देखिए भाभी खाना खा रही है, पूरी सब्जी। ये मेरा प्लेट है, यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं। वो देखिए हमारे सबसे बड़े भैया हैं उसके बाद ये सबसे एक नंबर मस्त भैया भी है और ये उससे छोटे भैया है। लग रहे होंगे ये बड़े हैं लेकिन ये छोटे हैं वो बड़े। लाइक
लाइट छोड़िए थोड़ा भैया का फोकस कैमरामैन। इनको हम लोग भैंसुर के नाम पे बहुत कोल्ड ड्रिंक थके हैं इनसे, अब वो कोल्ड ड्रिंक पिलाना छोड़ दिए हैं भैया। तो गाइज ये रही विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति जो हमारे मामा जी की फैक्ट्री में स्थापित की गई है, और ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आप देख सकते हैं जो हुआ है बहुत सालों के बाद, लगभग 4 साल के बाद यहाँ हुआ है। ये है हमारी मामा जी की फैक्ट्री, ये हम लोग आए हैं 4 साल के बाद यहाँ पूजा हुआ है। ये हमारी भाभियाँ हैं और बहुत प्यारी भाभियाँ हैं हमारी ये, और फिर ये हमें बहुत बेस्ट विशेस दे रही हैं, लाइक और सब्सक्राइब हो जाए हमारा जो वीडियो है। ये मेरे बड़े भाई की बेटी है और ये मेरी आहाना से 2 मंथ बड़ी है ये। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मुकेश भैया जो है हमारे, ये सब के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं हम लोग के लिए स्पेशल, पर हमको तो बहुत सर्दी खांसी है पर फिर भी पी लेंगे थोड़ा। तो भैया इस परंपरा को भूले नहीं, और आज फिर से हम लोग के लिए वो भी थम्सअप जो हमेशा माजा लाते थे ना, थम्सअप उनको 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 पहले उनको क्या बोलते थे पहले कि भैंसुर का नियम होता है क्या, जब आते हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक लाना होता है, तो भैया लेके आते थे भैंसुर का पर के पूरा किए। हाँ नहीं सही बात है किए। अरे भैया को ऐसे ही हम लोग याद दिला रहे थे मजाक में, बचपन मतलब वो सब चीज। जाओ बेटा जाओ, हमको तो आधा ठंडा ठीक हो जाए। इनसे मिले ये पंकज जी, यह पंकज जी। पंकज जी कुछ बोलिए, हम क्या बोले, कुछ बोलिए, हम लोग हम ही लोगों का तारीफ कर दीजिए, इन लोगों के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो खर्चा पानी दीजिए भैया से मांगेगा क्या, तो हम कमाएंगे भैया से, भैया कमाते भैया से मांगे, भाभी लोग जो कमाती है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं कमाते हैं हम लोग, अभी हम लोग निठल्ला है। तब से ये फैक्ट्री और आज भी ये फैक्ट्री में यही परंपरा है कि यहाँ पे सब पूरी फैमिली आती है और सबका खाना पीना जो होता है वो सब यहाँ पे गेट टुगेदर होता है। हाँ एक तरह से गेट टुगेदर के लिए किया जाता है, अच्छा लगता है। लंबे टाइम के बाद सब मिलते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में सब मिल नहीं पाते एक दूसरे से, जैसे अभी आप आ नहीं पा रहे थे फिर भी हम लोगों ने टान के लाया कि चलो चलो, जब भाभी लोग से मिलने का भी मौका मिल पाता है यही सब ओकेजन में। और ये सब पूजा देखते हैं तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो जाता है, सही में बचपन की यादें नई हो जाती हैं। मम्मी को बहुत पसंद था यहाँ आना विश्वकर्मा पूजा में, मम्मी बहुत एक्साइटेड रहती थी बहुत ज्यादा। अभी दिखाते हैं नाना जी जो जहाँ रहते थे ना, अच्छा वो जगह हम लोग दिखाते हैं कहाँ नाना जी रहते थे, नाना जी जहाँ फेवरेट जो जगह था ना वो दिखाते हैं। तो चलिए कैट भी है, तो यहाँ पे सारे भैया लोग बैठे हुए खाना बनाने के बाद, और हम जा रहे हैं नाना जी जहाँ रहते हैं थे तो वो दिखाते हैं। बाप रे इस जंगलों के बीच में नाना जी रहते थे, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रहने लगे ना, तो यहाँ पे कुछ लोग भी रहने लगे हैं, और नाना जी की फेवरेट बेटी भी है यहाँ पर रेखा, रेखा भी है ना रेखा। अरे आपका चेहरा आना चाहिए था, आप कैमरा से बाहर आ रहे, यहीं पे नाना जी रहते थे ना, कहाँ चल गए विक्की, उनको छोड़ के भाग गए। तो नाना जी का हम लोग जगह दिखला रहे हैं कि जहाँ पे नाना जी रहते थे, मम्मी अक्सर यहाँ पे आया करती थी, माँ आज भी वैसा ही लगता है कि नाना जी यहाँ पे बैठे हुए उसी जगह पर। कैट भी रहती है जिसको कैच म्यू म्यू म्याओ म्याओ। अरे क्या क्या हुआ, अरे क्या हुआ बच्चों। तो गाइस हम लोग मामा के फैक्ट्री से खाना वाना खा के अब घर के लिए निकल गए हैं, और सबसे अच्छी बात लगी कि हम लोग बहुत कम टाइम पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत बात अच्छा लगा सबके साथ, और बातें कभी खत्म होती ही नहीं है, और वैसे भी सब अपने अपने दुनिया में ना बहुत बिजी है, सबके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यही है पूजा या फिर कोई ओकेजन होता है जिसके कारण हम लोग मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग मिस नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जिम को करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए 8:30 बजे रात, ताकि सबसे हम लोग मिल सके, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मजा आया। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन काफी रात हो गई तो जाना था। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर पे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको लाइव कि हम लोग को कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये गाड़ी लोग के कारण, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ी लग जाती है और इन लोगों को गाड़ी घुमाने में काफी दिक्कत होती है। तो आज आपको दिखाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ लाइव ये लोग क्या करते हैं और कैसे गाड़ी को हटाया जाता है।
राजी गाड़ी को उठा के हटाया जाएगा। अरे राम गाड़ी को उठा के उधर साइड कर दिया गया। वो गाड़ी पूरा वो अपना करामत ही दिखाएंगे। करामत देखिए देखिए कर दिया ना। बच्चा उठा रहे इतना आगे से पहले यही नहीं सोचे थे हम भी नहीं सोचे थे। गजा उठा के उधर किए गाड़ी को आपने। हाँ बेटा आइसक्रीम पीछे वाला में ऐसे ले लो आइसक्रीम और उसमें ये पीछे वाला बॉक्स है ना उसमें ले लो। और बहुत पोपट हुआ आज हम लोग का पोपट भी हुआ थोड़ा सा बताएंगे अबे चलिए दुख बतियाएंगे। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं मामा के यहाँ से और मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बहुत सर्दी खांसी हो रखा है बहुत ज्यादा ही कफन को मतलब मेरा भी है बट इसका बहुत ज्यादा आज बढ़ गया और ये मेडिसिन भी ली बट मतलब एक सर्दी का ऐसा सिस्टम है ना कि जब तक वो तीन दिन के बाद ही ठीक परेशान करने के बाद ही वो थोड़ा सा डाउन होता है वरना फर्स्ट डे सेकंड डे तो बहुत लगता है बहुत इरिटेशन होता है पूरे गले पे नोज पे ईयर लगता है कि बंद पड़ा हुआ है एकदम। कल तो जो मेरी हालत थी बाप रे बाप गैस के कारण तो मेरा लग रहा था प्राण निकल जाएगा लेकिन जिसका हालत खराब हो गया। अब कल से हम लोगों को गणेश पूजा का तैयारी में लगना है क्योंकि परसों गणेश पूजा भी है तो अभी आगे बहुत चीज और होने वाला है बहुत चीज होने वाला। तो गाइज आप लोग का प्यार चाहिए आप लोग का थोड़ा सा हिम्मत चाहिए मतलब आप लोग दो थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा बीच बीच थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा फैमिली को लेके मतलब पापा को कभी इधर कभी उधर तो जिसके कारण आज हम लोग शाम में भी जिम नहीं जा पाया क्योंकि आपको फैमिली को भी देखना होता है फैमिली को भी लेके चलना होता है तो हम लोग को जाना पड़ा वो मतलब मामा जी लोग के घर जाना पड़ा बहुत सारा तो जिसके कारण हम लोग शाम का जिम का आपको टूर नहीं करा सके। जितने मेम्बर्स हम लोग के आए थे वो हम लोग नहीं दिखा सके तो इसके लिए सॉरी। तो कोई बात नहीं नेक्स्ट डे फिर से नया चीज़ दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं आपको गुड नाइट बोलने के लिए। आज का हमारा विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा बहुत एंजॉय किए बहुत मन से पूजा किए हैं सबसे भेंट मुलाकात हुआ बहुत अच्छा लगा ओवरऑल बहुत अच्छा दिन बीता हमारा। तो होप कि आप लोगों को भी हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अभी फिलहाल हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस आज हम लोग स्पेशल ये था ना कि हम लोग जिस दिन साड़ी पहनते हैं उस दिन बहुत एक्साइटेड रहते हैं कैमरा अब वो बिल्कुल नहीं मन था पहनने का जबरदस्ती भाभी पहनवाई नहीं इन लोग को मतलब हमारे जो पतिदेव लोग हैं उन लोगों को साड़ी बहुत अच्छी लगती तो हम लोग फेस्टिवल का इंतजार करते हैं ताकि कोई फेस्टिवल आए ताकि हम लोग पहन सके साड़ी। ऐसे तो घर पे पहनना पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहता है लेकिन ओकेजन में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है पहनना तो इसीलिए बस सोचे थे कैमरा के सामने आए थोड़ा सा मस्ती करें। आज हम लोग डांस भी करने वाले थे बट इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ ना कि कुछ भी नहीं हो पाएगा आज डांस कुछ भी नहीं कर पाए। तो फिलहाल कोई बात नहीं फिर से हम लोग आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाएंगे अच्छे से डांस करेंगे और आप लोग भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर करना। तो गाइस अपने फ्रेंड्स में प्लीज 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 शेयर करो थोड़ा सा प्यार हम लोग और दो आप लोग का सपोर्ट और भी चाहिए। तो फिर आपसे मिलेंगे कल इसी टाइम चलिए तो गाइस बाय बाय। पढ़ने बैठ गया आया है तुरंत ड्राइंग किया है हाँ आज भी बेचारा पढ़ाई करने लगा इसको बहुत ढेर सारी होमवर्क मिली है तो बेचारा आया है और अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। गाइस फिलहाल अभी हम लोग आपको बोलने वाले हैं गुड नाइट कल मिलते हैं फिर से हम लोग नई दौर नई जोश के साथ हमारे ब्लॉग को देखते रहना और प्यार देना तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट जय हिंद।